नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। 15 जून को कैची धाम में मेले के चलते नैनीताल पुलिस ने अपना रूट प्लान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 14 जून और 15 जून को ट्रैफिक प्लान बदला गया है। दो दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी, जबकि नैनीताल और कैची धाम के लिए शटल सेवा चलाई जाएगी। इसके साथ ही शटल सेवा के लिए विभिन्न पार्किंग स्थलों से 300 से अधिक शटल मैक्स और करीब 80 बसों का संचालन होगा। वहीं 10 बसें हल्द्वानी रोडवेज और काठगोदाम से 20 केमू बसें चलाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक कैची धाम में बनाई गई स्थायी पार्किंग में 250 से अधिक वाहन पार्क कराए जा सकेंगे। इसके अलावा भवाली के आसपास भी अन्य पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। ये 15 जून को कैची धाम के मेले के परिप्रेक्ष्य में पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें 14 जून की दोपहर 2 बजे के बाद से कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का वाहन कैची धाम मंदिर की तरफ प्रवेश नहीं करेगा। हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में 14 पार्किंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां पर हमारे द्वारा 4-व्हीलर को और 2-व्हीलर को पार्क कराया जाएगा और पार्किंग में पानी की, टॉयलेट की सारी सुविधाएं कराने की कोशिश की गई है, कराई गई हैं, ताकि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और सभी श्रद्धालुओं से मेरा ये अनुरोध है कि जो नैनीताल पुलिस द्वारा पार्किंग बताई गई है, पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करके और उसके बाद शटल सेवा का प्रयोग कर कैची धाम के दर्शन करें और आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी नैनीताल पुलिस की कामना है, ऐसी मेरी कामना है। अभी के लिए इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।